जी जो है ये शमशान में विराजमान है। बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है उज्जैन में। और बाबा यहाँ के बहुत बहुत मतलब आप जो भी यहाँ पे प्रेयर मांगोगे वो यहाँ पे पूरी होती है। बहुत से लोग बाहर से उज्जैन के जो यहाँ पे रहते हैं लोकल है सब है, वो बहुत हर बुधवार पे यहाँ पे आते हैं। मैं खुद यहाँ पे आती हूँ। और बहुत मंदिर है और बाबा जी भी बहुत अच्छे से, बहुत सारी मनोकामना है। मेरी पढ़ाई से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी चीजें मांगी थी वो भी यहाँ से पूरी हुई है। घर परिवार से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें थे वो भी यहाँ पे आके पूरी हुई है। और मेरा पूरा परिवार ही बाबा पे बहुत विश्वास रखता है। और गणपति जी के दिनों में तो विशेष लोग आते हैं यहाँ पे। हर बुधवार अलग अलग श्रृंगार देखने मिलेगा आपको। अनेक अनेक भगवान को फलों से, कभी नोटों से, बहुत सारी चीजों से डेकोरेशन होता है और बहुत अद्भुत और सुंदर। आज गणेश चतुर्थी है जो 10 दिन का उत्सव मनाया जाता है, उसमें श्रृंगार किया गया है और उनकी 10 भुजाएं हैं। उनकी गोद में माता संतोषी विराजित है। उनका स्थान शमशान में, ये पहले ऐसे गणपति जी का स्थान शमशान में है। शमशान में गणपति का स्थान नहीं होता, लेकिन यहाँ पर शमशान में गणपति का स्थान। तो यहाँ पर 5 बुधवार का ऐसा है कि 5 बुधवार करने पर अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। नौकरियाँ लगी है, शादियाँ नहीं होती, शादियों में दिक्कत आ रही वो पूरी हुई है। और बच्चे नहीं हो रहे हैं किसी को, बहुत घर के बच्चे हो तब गणपति हो, सभी के कार्य जैसा कार्य हो वैसा सब कार्य। मतलब महत्व ये है कि एक दिन की बहुत भर आती है वो, और जो जिन लड़कों की एग्जाम है या परीक्षा है कुछ है उनको मैं उसकी परिक्रमा लगवाता हूँ, ताकि उनका काम जल्दी से हो जाए और वो परिक्रमा सीधी कर सकें। काम होने पर परिक्रमा में सीधी भी करवाता हूँ।